फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये जो है ये आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड जो कोर्स है उसके लिए है। तो इसके लिए जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और एनटी जो है टेस्ट कंडक्ट करवाएगा। और इसमें क्या है कि आपका जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है, यानी कि बीएड आपकी जो है वो हो जाएगी आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ ही। तो उसके रिगार्डिंग जो है ये है। और ये पूरा आपको इन्फॉर्मेशन जो है इस पीडीएफ से मिलेगा। तो ये पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी नवी क्लासेस पर। उसके अलावा जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं इसमें बता देती हूँ। आपको इंडेक्स में सारा दिया है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको, कौन सा डेटा किस पेज से मिलेगा, वो आप उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सेस कर सकते हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर इसमें आपका जो भी होगा, जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज़ और जो भी इंस्टीट्यूट्स जो बीएड करवाते हैं उन सब के लिए ये एक कॉमन टेस्ट ही होने वाला है। इसमें आपका जो है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 13 मीडियम्स अक्रॉस इंडिया। और वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा। और इसमें जो है आपकी ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिट होंगे वो होंगे 13 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक रात को 11:30 बजे तक। और जो लास्ट डेट होगी फ़ी पेमेंट की वो भी आपकी 30 अप्रैल ही रहेगी। करेक्शन जो है आप 2 मई से लेकर 4 मई तक कर सकते हैं। एग्ज़ाम सीटी जो है वो आपको मई के एंड में पता चल जाएगी। और आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आपके 3 दिन पहले जो है आ जाएंगे एग्ज़ाम से। और डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है वो अभी टेंटेटिव डेट जो है दी हुई है 12 जून को, वेनेसडे को आपका जो है एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद वेबसाइट पर जो है आपकी रिस्पॉन्स शीट्स और जो है आंसर की वो आ जाएगी। और उसके तुरंत बाद ही कोशिश होगी कि जल्दी ही आपका रिजल्ट जो है वो एनटीए के द्वारा वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। अगर चार्जेस की बात करें तो फ़ी जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपीज़ रहने वाली है, जबकि ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1000 एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एंड थर्ड जेंडर के लिए 650 चार्जेस आपके रहेंगे। जो आपका टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें एमसीक्यूज़ आएंगे। 13 लैंग्वेजेस जो गिवन है इनमें जो है आप ऑप्ट कर सकते हैं, आपका टेस्ट होगा। और सिलेबस जो है वो आपका जो आपके डोमेन नॉलेज, डोमेन सब्जेक्ट जो रहेगा वो क्लास ट्वेल्व सिलेबस रहेगा। जनरल टेस्ट की आपको दिया हुआ है कि उसमें क्या क्या आएंगे, जीके आएगी, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। और टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है आपके टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथ्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेजेस एट्सेट्रा। रजिस्ट्रेशन जो है आपके ऑनलाइन होंगे। और आपका स्मर्थ का ये पोर्टल है जो nct.smrth.ac.in, यहाँ से आप जो है रजिस्टर इसके लिए कर सकते हैं। फिर जैसे आप दूसरे फॉर्म भरते हैं सेम वही क्राइटेरिया रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट स्टेप पे जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगे वो बताए आपने करनी है। और एक यहाँ पर एडवाइजरी दी गई है, इसमें आपको बताना है कि एग्ज़ाम वेन्यू में आपको क्या क्या साथ लेकर के जाना है। आप एडमिट कार्ड अपना जो है एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो कि आप एनटी की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और आपको उसका प्रिंटआउट A4 साइज पेपर पे लेना है, उसको फिल आउट करके ले जाना है। एक सिंपल बॉल पॉइंट पेन आपके पास होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, आईडी प्रूफ आपके साथ, एडिशनल फोटोग्राफ जो है आपका जाएगा। जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं और उनको रिलैक्सेशन चाहिए तो आप जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप अपनी वाटर बॉटल लेकर के जा सकते हैं, बट ओनली ट्रांसपेरेंट बॉटल इज़ अलाउड। शुगर टेबलेट्स और फ्रूट्स अलाउड है इन केस अगर कैंडिडेट जो है वो डायबिटिक है, डायबिटिक पेशेंट है। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी आपको जो भी डिटेल्स चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम सेंटर्स आपके कहाँ कहाँ बनेंगे, क्या मीडियम रहेगा,
आपके जैसे सेक्शंस क्या किस तरीके से डिवाइडेड हैं टेस्ट के लिए, सेक्शन 1 2 3 4, और उसमें क्या क्या जो है कवर होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, टोटल क्वेश्चंस कितने आपने जो है मिनिमम अटेम्प्ट करनी है, तो वो सारा जो है बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी, क्योंकि आप अपने सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी यहाँ से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जो ड्यूरेशन रहेगी आपके टेस्ट की वो 180 मिनट्स रहेगी, मतलब कि 3 घंटे का जो है आपका टेस्ट होगा, और जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होंगे उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आपका जो है डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, उसी हिसाब से जो है 2 शिफ्ट जो है उनमें टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा डेली। और सिलेबस भी जो है आपको यहाँ से nct.smarth.ac.in यहाँ से आपको मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन आपकी रहेगी कि आपने 10+2 किया हो या आपने इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन हो, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इसमें कितने इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड हैं या यूनिवर्सिटीज़, तो आपके इन टोटल जो है 64 जो हैं इंस्टीट्यूट्स के लिए ये टेस्ट रहेगा। और आपकी कितनी कितनी जो है उसमें यूनिट है उसके हिसाब से हर यूनिट में जो है 50 सीट्स होंगी, तो इन टोटल जो है 6100 जो है सीट्स हैं जिन पे एडमिशन के लिए ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ऐसी ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए और अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आगे भी शेयर कर देना, ताकि जिन भी कैंडिडेट्स के लिए यूज़फुल वीडियो है ये उन तक पहुंच पाए। और अगर कंटेंट पसंद आए तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू वॉच दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल हियर एंड ऑन टेलीग्राम टू।